हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बायोलॉजी ट्यूटोरियल पे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केनाल सिस्टम इन पोरीफेरा देखिए जो पोरीफेरा होते हैं ये पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं पोर फेरास बियरिंग इनकी पूरी शरीर पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे कि इनकी बॉडी में वाटर एंटर करता है ये मरीन एनिमल्स होते हैं जो कि समुद्र में पाए जाते हैं इन्हें स्पॉन्जेस भी कहा जाता है इन्हें स्पॉन्जेस भी कहते हैं तो जब इनकी बॉडी में वाटर एंटर करता है थ्रू पोर्स तो इनके अंदर एक कैनाल सिस्टम होता है जो कि वाटर को फ्लो करने में हेल्प करता है उसे डायरेक्शन और पैसेज देता है वाटर को और जब नरिशमेंट वो ले लेते हैं वाटर से उसके बाद जो वाटर है वो रिमूव हो जाता है और वो फिर आउटसाइड इन्वायरमेंट में चला जाता है ऑस्क्यूलम के थ्रू तो यही सिस्टम आज हम लोग डिस्कस करेंगे तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बॉडी ऑफ ऑल स्पॉन्जेज इज़ परफोरेटेड बाई लार्ज नंबर ऑफ अपर्चर थ्रू विच वॉटर इंटर्स इनसाइड द बॉडी एंड फ्लोज थ्रू अ सिस्टम ऑफ कैनालॉल्स एंड कलेक्टिवली फॉर्मिंग द केनाल सिस्टम विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पोरीफेरेंस देखिए इनकी बॉडी में क्या होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे कि वाटर इनकी बॉडी में एंटर करता है और एंटर करने के बाद इनकी बॉडी में क्या होता है बहुत सारे कैनाल्स का एक सिस्टम होता है जिसे हम कलेक्टिवली मतलब मिला जुला कर क्या बोलेंगे कैनाल सिस्टम इन सभी कैनाल्स मिलकर क्या बनाते हैं कैनाल सिस्टम जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है पोरीफेरन्ेंस का ये जो कैनाल सिस्टम है ये पोरीफेरेंस में पाए जाते हैं और किसी एनिमल्स में हमें ये देखने को नहीं मिलता है टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम ऑन द बेस ऑफ अरेंजमेंट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटरनल चैनल्स द कैनाल सिस्टम हैज़ बिन डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स अब ये जो कैनाल सिस्टम है इसका अरेंजमेंट कैसा है वो किस तरह का है वो सिंपल है या कॉम्पलेक्स है इस बेसिस पे हम कैनाल सिस्टम को तीन टाइप्स में बांटते हैं एस्कॉन टाइप साइकॉन टाइप एंड ल्यूकॉन टाइप तो कैनाल सिस्टम जो है वो तीन टाइप का हो गया अब पहला है हमारा एस्कॉन टाइप इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम सबसे सिंपल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होता है एस्कॉन टाइप विच इज फाउंड इन एस्कोनॉइड स्पॉन्जेस ये एस्कोनॉइड स्पॉन्जेस में हमें देखने को मिलेगा एग्जाम्पल हो गया ल्यूकोसोलेनिया ये ल्यूकोसोलेनिया में हमें कॉमनली देखने को मिलेगा इट्स बॉडी सर्फेस इज पियर्स बाई लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट ओपनिंग्स कॉल्ड इन करेंट पोर्स और ऑस्टिया देखिए अब जो इनकी बॉडी में जो छोटे छोटे पोर्स जो छेद होते हैं उन्हें क्या कहेंगे इन करेंट पोर्स कहेंगे या फिर ऑस्टिया भी कह सकते हैं दीज पोर्स आर इंट्रा स्पेसेस स्पेसिस विद इन ट्यूब लाइक सेल्स द पोरोसाइट्स ये जो पोर्स होते हैं ये क्या है दो सेल्स के बीच की स्पेसिस हैं इट इज़ इंट्रा सेल्यूलर स्पेसिस बिटवीन और उन सेल्स का नाम क्या है पोरोसाइट्स इट मीन्स कि दो पोरोसाइट सेल्स के बीच में ये जो खाली जगह है इसे ही हम पोर कह रहे हैं जिससे वाटर एंटर होगा पोर्स ओपन डायरेक्टली इन टू स्पॉन्जोसील अब ये जो पोर्स से वाटर एंटर किया ये कहाँ जाएगा स्पॉन्जोसिल में पोर्स के थ्रू वाटर एंटर हुआ और वो चला गया स्पॉन्जोसील स्पॉन्जोसील क्या है ये बॉडी कैविटी है द इज द सिंगल लार्ज स्पेशियस सेंट्रल कैविटी इन द स्पॉन्ज बॉडी ये एकदम मिडल में जो एस्कोनाइड स्पॉन्जेस होते हैं इनकी बॉडी के एकदम बीचों बीच जो है खाली जगह होता है पूरा जिसे हम स्पॉन्जोसील कह रहे हैं इट इज़ लाइंड बाय द फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स और कोनोसाइट इसका जो वॉल होगा स्पॉन्जोसिल का इसमें कौन से सेल्स पाए जाएंगे कोनोसाइट्स जो कि फ्लैजिलेटेड है यानी कि इनमें फ्लैजेला मौजूद होगा जो कि वाटर को डायरेक्शन फ्लो हेल्प में देने में हेल्प करेंगे कि किस डायरेक्शन में वाटर को फ्लो करना है स्पॉन्जोसील ओपन्स टू आउटसाइड थ्रू अ नैरो सर्कुलर ओपनिंग द ऑस्कुलम वाटर पहले तो पोर्स से कहाँ गया स्पॉन्जोसील में अब स्पॉन्जोसील से जो वाटर है वो बाहर चला जाएगा थ्रू द ऑस्क्यूलम ऑस्क्यूलम क्या है ये बहुत ही नैरो छोटा सा सर्कुलर ओपनिंग होता है जो कि कहाँ होता है लोकेटेड एट द डिस्टल फ्री एंड यानी कि ये एंटीरियर साइड में पाया जाएगा छोटा सा ओपनिंग जिससे कि वाटर फिर कहाँ चला जाएगा इन्वायरमेंट में यानी कि फिर से समुद्र में चला गया पानी देखिए इसको हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं इन्ग्रेसिंग वाटर थ्रू ऑस्ट्रिया यानी कि जो वाटर है वो ऑस्ट्रिया यानी कि पोर के थ्रू कहाँ चला गया पहले स्पॉन्जोसिल में फिर ऑस्क्यूलम के थ्रू वो आउटसाइड यानी कि फिर वो बाहर चला गया देखिए मैंने यहाँ पे एस्कॉन टाइप का फिगर बनाया है ये है बॉडी स्पॉन्ज की बॉडी जिसके अंदर ये कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है तो आप देख सकते हैं कि बीच बीच में क्या है गैप है इसे ही हम पोर्स बोलेंगे दिस इज डरमलॉस्टिया जिससे कि वाटर क्या होगा इनकी बॉडी में एंटर होगा उसके बाद ये है स्पॉन्जोसील ये पूरा जो कैविटी है दिस इज़ स्पॉन्जोसिल वाटर यहाँ पे आया और फिर वाटर जो है आफ्टर जब ये लोग अपना नरिशमेंट ले लिए उसके बाद ये ऑस्क्यूलम के थ्रू वाटर निकल जाएगा ये जो सेम इनकी बॉडी है इनमें तीन लेयर है देखिए अंदर वाला है कॉनोडम मिडिल में है मैसेनकाइम और आउटर इज पिनाकोडम और कॉनोडम में जो है कोनोसाइट सेल होंगे जो कि क्या होंगे फ्लैजिलेटेड होंगे जिससे कि वाटर को क्या होगा हेल्प होगा डायरेक्शन देने में फ्लो करने में द दिस इज द एस्कॉन टाइप अब हमारा दूसरा टाइप था साइकॉन टाइप साइकॉन टाइप ऑफ केनाल सिस्टम इज़ मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम दैन द एस्कॉान टाइप देखिए ये जो साइकॉन टाइप होता है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है एस्कॉन टाइप के मुकाबले इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकोनॉइड स्पॉन्जेस ये किन में पाया जाएगा साइकोनॉइड स्पॉन्जेज में पाया जाएगा एग्जाम्पल हो गया हमारा स्काइफा हॉरिजोंटल फोल्डिंग फाउंड ऑन इट्स बॉडी वॉल ऑन इट्स वॉल यानी कि इनके जो बॉडी का वॉल होगा जैसे कि ये स्पॉन्ज है तो इसमें इस तरह से कुछ फोल्डिंग होगी बॉडी वॉल ऑफ साइकोनॉइड स्पॉन्जेस इंक्लूड्स टू टाइप ऑफ कैनाल्स अब देखिए इनमें कैनाल्स भी कितने टाइप का होगा दो तरह का एक होगा इनकरेंट और एक होगा रेडियल कैनाल इनकरेंट कैनाल एंड रेडियल कैनाल ऑल्टरनेटिंग विथ ईच अदर और ये एक के बाद एक यानी कि रेडियल कैनाल देन इनकरेंट कैनाल इनकरेंट पोर्स और डर्मल ऑस्टिया ओपन इन टू द इनकरेंट कैनाल देखिए ये जो इनकरेंट पोर्स है ये कहाँ ओपन होते हैं इनकरेंट कैनाल में पोर्स या फिर डरमल ऑस्टिया कहाँ पर ओपन हो गया है इन करेंट कैनाल में फिर जो इनकरेंट कैनाल है वो कहाँ ओपन होगा रेडियल कैनाल में और रेडियल कैनाल में ये किसके थ्रू ओपन होगा अ माइन्यूट ओपनिंग कॉल्ड प्रोसोपाइल यानी कि इन करेंट कैनाल रेडियल कैनाल में किसके थ्रू ओपन होगा प्रोसोपाइल्स फिर रेडियल कैनाल जो होते हैं वो फ्लाजिलेटेड चैम्बर्स होते हैं इट मीन्स दे आर लाइनड बाय कोनोसाइड्स यानी कि जो रेडियल कैनाल्स है वही फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स है और बाद बाकी क्या होंगे नहीं होंगे तो उनका सेल्स को हम क्या बोलेंगे पिनाकोसाइट्स यानी कि रेडियल कैनाल्स आर लाइंड बाय कॉनोसाइट्स एंड ऑल अदर बॉडी वॉल इज लाइंड बाय पिनाकोसाइट्स दीज कैनाल ओपन इन टू द सेंट्रल स्पॉन्जोसिल अब देखिए ये जो रेडियल कैनाल है ये कहाँ ओपन होगा स्पॉन्जोसील में और ये किसके थ्रू ओपन होगा एपोपाइल्स और फिर स्पॉन्जोसील जैसे कि एस्कॉन टाइप में ऑस्क्यूलम के थ्रू फिर वाटर क्या होगा रिलीज हो जाएगा आउटसाइड आइए चार्ट के जरिए इसको समझते हैं देखिए इनग्रेसिंग वाटर डर्मल ऑस्ट्रिया यानी कि जो पोर्स है उसके थ्रू कहाँ गया सबसे पहले इनकरेंट कैनाल्स में इन करेंट कैनाल से ये रेडियल कैनाल में गया बट थ्रू अ ओपनिंग उस ओपनिंग को हम कहेंगे प्रोसोपाइल्स फिर ये जो रेडियल कैनाल से वाटर कहाँ जाएगा स्पॉन्जोसील में बट किस ओपनिंग के जरिए थ्रू एपोपाइल्स फिर स्पॉन्जोसील से पानी कहाँ चला जाएगा बाहर चला जाएगा थ्रू द थ्रू द ऑस्क्यूलम सो दिस इज द साइकॉन टाइप देखिए ये साइकॉन टाइप का फिगर है आप देख सकते हैं ये फोल्डिंग किस तरह से इनके बॉडी वॉल में देखने को मिल रहा है तो देखिए बॉडी में जो वाटर है वो ऑस्टिया के थ्रू ये सारी जो ओपनिंग्स है ये क्या है दिस इज डर्मल ऑस्टिया यहाँ से वाटर एंटर करेगा तो ये जो कैनाल्स आप देख रहे हैं ये कैनाल्स ये कौन से केनाल्स है दीज आर इन करेंट कैनाल्स और इन करेंट कैनाल्स में जो वाटर है वो किसके थ्रू है इंटर कर रहा है थ्रू द प्रोसोपाइल्स देखिए वाटर डर्मल में आया उसके बाद ये प्रोसोपाइल की हेल्प से कहाँ चला गया रेडियल कैनाल में ये क्या है रेडियल कैनाल है ये है इनकरेंट कैनाल और ये है रेडियल कैनाल और रेडियल कैनाल्स जो होते हैं वो फ्लाजिलेटेड चैम्बर्स होते हैं यानी कि इनमें फ्लाजिलेटेड सेल है यानी कि ये कोनोसाइट से लाइंड है फिर ये प्रोसोपाइल्स के ज़रिए ठीक है एपोपाइल्स के ज़रिए दिस इज एपोपाइल्स ये कहाँ चले गए स्पॉन्जो में और फिर ये जो वाटर है वो रिलीज हो जाएगा बाहर थ्रू द ऑस्क्यूलम तो ये है इसका सिस्टम यानी कि डर्मल ऑस्टिया से वाटर एंटर होगा ये प्रोसोपाइल्स है प्रोसोपाइल्स के जरिए कहाँ ये आएगा रेडियल कैनाल में दिस इज रेडियल कैनाल और फिर ये जो एपोपाइल्स है ये ओपनिंग को एपोपाइल बोलेंगे इससे फिर वाटर कहाँ चला गया स्पॉन्जोसिल में और फिर पानी ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर हो जाएगा अब है हमारा तीसरा टाइप ल्यूकॉन टाइप द ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द साइकॉन टाइप देखिए एस्कॉन से कॉम्प्लेक्स था साइकॉन एंड साइकॉन से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ल्यूकॉन ड्यू टू फर्दर फोल्डिंग ऑफ बॉडी वॉल यानी कि अब जो इनका बॉडी वॉल है और और फोल्डेड हो गया और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है सो दिस इज मोर कॉम्प्लेक्स देन टाइप दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ल्यूकोनाइड स्पॉन्जेस ल्यकोनाइड स्पॉन्जेस में देखने को मिलेगा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसका स्पॉन्जीला हेयर कैनाल सिस्टम हैज़ बिकम वेरी इरेगुलर इसमें रेगुलरिटी अब नहीं रही है ये बहुत इरेगुलर हो जाएगा जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स होंगे वो बहुत छोटे हो जाएंगे स्मॉल स्फेरिकल लाइंड बाई कॉनोसाइज ऑल अदर स्पेसिस आर लाइंड बाई पनेकोसाइट्स यानी कि सिर्फ जो वो स्पेरिकल चैम्बर्स है वही कॉनोसाइट से ला लाइंड होंगे और बाद बाकी की बॉडी क्या होगी लाइंड बाई पिनैकोसाइट्स यानी कि ये फ्लैजलेटेड नहीं होंगे इनकरेंट कैनाल्स ओपन इन टू फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स देखिए इनमें क्या होता है वाटर जो है इनकरेंट कैनालॉल से फ्लाजिलेटेड चैम्बर्स में जाता है थ्रू प्रोसोपाइल्स बिल्कुल साइकॉन की तरह और जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स है वो कम्युनिकेट करते हैं एक्सकरें एक्सकरेंट कैनाल्स में थ्रू एपोपाइल्स देखिए एपोपाइल्स के थ्रू फिर वाटर कौन से कैनाल में जाएगा एक्सकरेंट कैनाल में ये जो एक्सकरेंट कैनाल है दीज आर डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सरिंकेज एंड डिवीजन ऑफ स्पॉन्जोसील विच हैज डिसपीयर्ड देखिए इसमें क्या है स्पॉन्जोसील डिसअपेयर हो गया यानी कि इतनी फोल्डिंग हुई बॉडी की कि स्पॉन्जो अब नहीं दिख रहा है वो एब्सेंट हो गया समझिए तो उसकी जगह पे कौन सा कैनाल आया है एक्सकरेंट कैनाल्स विच हैज़ डिसपेयर दस एक्सकरेंट कैनाल्स कम्युनिकेट विथ आउटसाइड थ्रू एन ऑस्कुलम तो अब जो काम स्पॉन्जो सील कर रहा था उसका काम कौन करेगा एक्सकरेंट कैनाल बिकॉज स्पॉन्जो सील जो कैविटी होती थी वो अब कैविटी इसमें नहीं रही और ऑस्क्यूलम के थ्रू फिर वाटर क्या होगा बाहर चला जाएगा देखिए इन डेमोस्पॉन्जी ल्यूकोइड कंडीशन इज डिराइव फ्रॉम अ लार्वल स्टेज कॉल्ड ड्रैगन देखिए डेमोस्पॉन्जी में क्या देखने को मिला है कि जो ल्यूकोनाइड कंडीशन है वो उनके लार्वल स्टेज में ही देखने को मिल गया तो इसीलिए इसे हम रैगन लार्वा भी कहते हैं देखिए ये ल्यूकॉन टाइप का मैंने बनाया है चार्ट के जरिए कि देखिए जो इनग्रेसिंग वाटर है वो ऑस्ट्रिया के थ्रू एनकरेंट कैनाल्स में आएगा देन वो प्रोसोपाइल्स के ज़रिए होते हुए कहाँ चला जाएगा फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में फिर एपोपाइल के थ्रू कहाँ जाएगा एक्सकरेंट कैनाल में इनमें स्पॉन्जोसील नहीं है तो फिर एक्सकरेंट कैनाल से वो डायरेक्ट चला जाएगा बाहर थ्रू द ऑस्क्यूलम सो तो ये जो सर्कल है ये ल्यूकॉन टाइप का है ल्यूकॉन टाइप का ये फिगर आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे जो है ये जितने ओपनिंग्स है दीज आर डर्मल ऑस्टिया जिसे वाटर एंटर होगा ये इनकरेंट कैनाल्स है और ये जो आप छोटी छोटे गोल गोल चैम्बर देख रहे हैं दीज आर द फ्लाजिलेटेड चैम्बर्स लाइन बाई कोनोसाइट और ये जो इनकरेंट कैनाल्स है ये जब फ्लैजिलेटेड फ्लाजिलेटेड चैम्बर्स में ओपन होंगे थ्रू द हेल्प ऑफ प्रोसोपाइल्स और एपोपाइल्स के ज़रिए ये फिर ये एक्सकरेंट कैनाल में चले जाएंगे और फिर ऑस्क्योलम के थ्रू ये बाहर चले जाएंगे ये है ल्यूकॉन टाइप ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम प्रेजेंट थ्री सक्सेसिव ग्रेडेज इन इट्स इवोल्यूशनरी पैटर्न अब ये जो ल्यूकॉन टाइप का कैनल सिस्टम है ये थ्री ग्रेड्स मतलब देखा गया है कि इससे भी और कॉम्प्लेक्स ये होते जाते हैं तो तीन पैटर्न है इसका यूरीपाइलस टाइप एफोडल टाइप एंड डिप्लोडल टाइप पहले तो हमने केनाल सिस्टम तीन तरह का देखा एस्कॉन साइकॉन एंड ल्यूकॉन नाउ ल्यूकॉन का तीन ग्रेड्स है यूरिपाइलस, एफोडल एंड डिप्लोडल पहला है यूरीपाइलस टाइप इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमेटिव ल्यूकॉन टाइप यानी कि सबसे सिंपल और प्रिमेटिव टाइप है ल्यूकॉन का यूरीपाइलस Type, मतलब इन दिस टाइप द फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स कम्युनिकेट डायरेक्टली बाई ब्रॉड अपर्चर द एपोपाइल विथ एक्सकरेंट कैनाल मतलब इनमें कोई इतना मॉडिफिकेशन नहीं है बहुत ही सिंपल ल्यूकॉन टाइप है तो जिस तरह से कॉमनली फ्लैजिलेटेड चैम्बर कम्युनिकेट करते थे एक्सकरेंट कैनाल में थ्रू द एपोपाइल तो बिल्कुल ये सिंपल है एक्जाम्पल हो गया प्लैकना ये देखिए ये यूरी टाइप का फिगर है देखिए वाटर जो है ये ऑस्टिया से एंटर हुआ ये इनकरेंट कैनाल से इनकरेंट कैनाल से होता हुआ देखिए ये फ्लाजिलेटेड चैम्बर्स में ओपन हुआ और फिर जो वाटर है थ्रू द एपोपाइल्स ये कहाँ चला जाएगा एक्स करेंट कैनाल से और फिर एक्स करेंट से बाहर तो ये सर्कल है हमारा यूरी टाइप का वाटर एंटर इनटू टू इनकरेंट कैनाल डर्मल ऑस्टिया से ये इनकरेंट केनाल में आएगा प्रोसोपाइल से होता हुआ ये हो गया प्रोसोपाइल से होता हुआ फ्लैजिलेटेड चैम्बर में एपोपाइल से होता हुआ एक्सकरेंट कैनाल में दूसरा है एफोडल टाइप इन दिस टाइप द एपोपाइल पाइल इज ड्राउंड आउट एज अरो कैनाल कॉल्ड एफोडस इनमें क्या होगा जो एपो होता था वो एफोडस बन जाएगा यानी कि ये लंबी और पतली सी ओपनिंग बन जाएगी कनेक्ट द फ्लाजिलेटेड चैम्बर्स विथ एक्सकरेंट कैनाल और जो ये फ्लाजिलेटेड चैम्बर एक्सकरेंट कैनाल में खुलता था एपोपाइल के जरिए अब उस ओपनिंग को हम क्या कहेंगे एफोडस देखिए वाटर एंटर हुआ और ये प्रोसोपाइल के जरिए कहाँ चला गया फ्लाजिलेटेड चैम्बर्स में अब देखिए ये जो एपोपाइल छोटा सा होता था जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं कि एपोपाइल क्या है बहुत ही छोटा सा है दिस इज एक्सकरेंट कैनाल पर इसमें क्या हो गया ये एफोडस यानी कि ये लंबा हो गया आप देख सकते हैं इतना लेंथ हो गया नैरो हो गया ओपनिंग और फिर ये एफोडस से होता हुआ एक्सकरेंट कैनाल और देन ये बाहर चला जाएगा सो दिस इज़ एफोडल टाइप डिप्लोडल टाइप लास्ट है हमारा डिप्लोडल टाइप इन सम स्पॉन्जेस बिसाइड्स एफोडस अनदर नैरो ट्यूब कॉल्ड प्रोसोडस इज प्रेजेंट बिटवीन द इन करेंट कैनाल एंड फ्लैजिलेटेड चैम्बर द पैटर्न इज कॉल्ड द डिप्लोडल टाइप देखिए इससे पहले वाला जो था हमारा एफोडल उसमें एफोडस बन चुका था एपोपाइल का क्या बन गया था एफोडस अब जो है प्रोसोपाइल इज बिकम प्रोसोडस ये भी क्या हो जाएगा हो? एक नैरो ट्यूब का ओपनिंग हो जाएगा जो कि प्रोसोपाइल पहले किसे जोड़ता था इन करेंट कैनाल को फ्लाजिलेटेड चैम्बर्स में ये भी जोड़ेगा बट नाउ प्रोसोपाइल इज बिकम प्रोसोडस नैरो ट्यूब ये किस में देखने को मिलेगा स्पॉन्जीला में और ऑस्केरेला में फिगर आप देख सकते हैं कि वाटर एंटर हुआ अब देखिए ये प्रोसो पाइल जो था वो भी एक नैरो ट्यूब हो गया है बिकम प्रोसोडस प्लाजिलेटेड चैम्बर देन एफोडस और फिर ये एक्सकरेंट के नाम से होता हुआ बाहर चला जाएगा यह है डिप्लोडल टाइप देखिए इनकरेंट साइनस क्या बहुत सारी ओपनिंग है एक बहुत बड़ी कैविटी जैसा बन रहा है तो ये साइनस का फॉर्म ले लेता है यानी कि बहुत सारा ओपनिंग जब एक जगह पे आए हमारा जो टॉपिक है वो खत्म देखिए थोड़ा सिग्निफिकेंस देख लेते हैं द फ्लैजिला ऑफ कॉनोसाइट सेल बीट्स टू प्रोड्यूस अ वाटर करेंट देखिए ये जो कॉनोसाइड सेल्स में जो फ्लैजिला होता है वो क्या हेल्प करता है वाटर करेंट में हेल्प करता है विच इंट्रेस्ट द स्पॉन्जोसील थ्रू ऑस्टिया इट कैरीज फूड पार्टिकल्स एंड ऑक्सीजन एंड द एक्सक्रीटरी वेस्ट एंड रिप्रोडक्टिव बॉडीज कैरी आउट थ्रू ऑस्क्यूलम ये जो वाटर जब हमारी आ, उनकी बॉडी में एंटर करता है तो क्या होता है जो फूड पार्टिकल्स वाटर के साथ आते हैं वो इसे कंज्यूम कर लेता है यानी कि ये खाना खा लेता है ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है गैसेस एक्सचेंज कर लेता है एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है जो उसका वेस्ट मटेरियल वो भी वो वाटर में रिलीज़ कर देता है और साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ यानी कि अपना गैमेट्स भी वो रिलीज करता है तो ये जो Uh, हमारा कैनाल सिस्टम है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्पॉन्जेस के लिए क्योंकि वो क्या कर रहे हैं कैनाल सिस्टम वाटर जो फ्लो हो रहा है उसके साथ साथ वो फूड कलेक्ट कर रहा है सांस ले रहा है और एक्सक्रीशन कर रहा है तो इसीलिए ये जो कैनाल सिस्टम है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्पॉन्जेस के लिए और ये बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है स्पॉन्जेस का सो दीज आर और टॉपिक ये आज का हमारा टॉपिक है ये पे समाप्त होता है ये है कैनाल सिस्टम इसे आप नोट्स भी बना सकते हैं देखिए जो कैनाल सिस्टम है तीन टाइप में हमने देखा एस्कॉन टाइप ये एस्कॉन टाइप का फिगर है साइकॉन टाइप ये हो गया साइकॉन टाइप का फिगर उसके बाद तीसरा था ल्यूकॉन टाइप ये ल्यूकॉन टाइप का फिगर है और ल्यूकॉन टाइप में फिर हमने तीन पैटर्न देखा था यूरीपाइलस टाइप ये यूरिपाइलस टाइप का फिगर हो गया एफोडल टाइप एफोडल टाइप का फिगर एंड देन लास्ट है हमारा डिप्लोडल टाइप और ये इसका सिग्निफिकेंस तो ये है आज का टॉपिक अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू सो मच